गजबसौदा में आज आशा सहयोगिनी संघ के द्वारा शासकीय अस्पताल से रैली के रूप में आकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से 7 सूत्रीय मांगों को राज्य सरकार से रखा गया और कहा गया कि 2005 से एनएचएम के पद पर कार्य एवं प्रशिक्षित सेवा प्राप्त आशा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ता जो कोरोना काल में महामारी के समय अच्छा कार्य कर रही है, कोविड काल में अपनी जान को जोखिम में डाल रही हैं, राज्य सरकार द्वारा उसकी अनदेखी की जा रही है और आज दिनांक तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसीलिए हम 1/6/2021 से काम बंद हड़ताल पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी मांगों को शीघ्र राज्य सरकार को मानने के लिए निवेदन करते हैं। ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 800-900 का सिलेंडर आता है, बाकी बहुत से खर्चे परिवार में होते हैं, वो हम कहां से पूरा करें। कहा कि हमसे डबल नौकरी करवाई जाती है और समय पर मानदेय नहीं दिया जाता है। क्या नाम है आपका? संगीता जैन है मेरा। कौन से विभाग से हैं आप? स्वास्थ्य विभाग में हैं। अच्छा। एनआरआई। आज आपने ज्ञापन दिया है तो किन मांगों को लेकर दिया है? हमने 7 सूत्री मांगे रखी हैं, उसमें देखिए 2000 रूपए मिलता है आशा को और आशा सहयोगिनी को 7000, तो 2000 रूपए में 33 रूपए रोज। आप बताइए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, कपड़े बर्तन सबके लिए महंगाई है, आशा केवल 33 रूपए रोज में अपना गुजारा कर सकती है क्या? इनको सरकारी कर्मचारी के बराबर काम करवाया जाता है लेकिन वेतन एक दैनिक मजदूर से भी कम दिया जाता है, तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और जो हमसे काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना सिलावट है। आज आपने ज्ञापन दिया है तो किन बातों को लेकर दिया है? हमने ये ज्ञापन दिया 2005 से जो आशा कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं उनमें हमें सिर्फ 2000 रूपए मानदेय दिया जाता है, जिससे हम लोगों का घर खर्च कुछ भी अच्छे से नहीं चलता, कहीं भी हम लोगों को सर्वे के लिए लगा दिया जाता है, इतने बड़े बाड़े हम लोगों के काम ज्यादा रहता है आपके काम और ज्यादा रहता है, मानदेय सिर्फ 2000 रहता है। अब 2000 में अपनी घर की पूर्ति करें या बच्चों की फीस पढ़ाई सब कुछ खर्चे वगैरह हम कैसे उठा सकते हैं, इसलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि वो हमारी मानदेय बढ़ा दे, फिक्स कर दे, परमानेंट कर दे। हमारी